मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है या करंट मार देता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, करंट लगना या करंट मारना एक प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है और घर के हर एक सदस्य को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्राइमरी स्टेज पे करनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो करंट होता है ये पानी का सुचालक होता है, यानी कि करंट पानी में आसानी से उतर सकता है और जो हमारा शरीर होता है इसमें लगभग 70% पानी ही होता है। तो जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो करंट क्या करता है, हमारे शरीर का जो पानी होता है उस पानी को करंट जो है खींचना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो इफ़ेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स को, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को। जब हमारा ब्रेन इफेक्ट हो जाता है तो हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है और इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये तो था पूरा फंडा कि करंट मारता कैसे है, मारने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए फटाफट समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, करंट ने मार दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम वहाँ पर उपस्थित हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें प्राइमरी स्टेज पर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, देख लें जहाँ से भी करंट आ रहा है, करंट का कनेक्शन है, उसको जल्द से जल्द वहाँ उसे काट दें या फिर हटा दें। दूसरी चीज़, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो देखें कि जहाँ से करंट इंसान के शरीर में इंटर कर रहा है उस कनेक्शन पॉइंट को हटा दें। उस कनेक्शन पॉइंट को हटाने से पहले विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप नंगे पैर ना हो, आपके पैर में चप्पल या जूता हो और आपका शरीर गीला ना हो। अगर आपका शरीर गीला रहेगा या फिर आप नंगे पैर रहेंगे तो वो करंट इजीली आपके शरीर में पास कर जाएगा और आपको दिक्कतें कर देगा। तो ये दो चीज़ें करनी हैं। और जब करंट वहाँ से हट गया है तो आपको क्या करना है कि अगर इंसान होश में है तो भी उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, क्योंकि हो सकता है वो करंट उसके दिमाग पर असर करा हो और वो कुछ देर बाद असर करे, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। अगली चीज़ क्या करनी है, करंट लगने से हो सकता है कि जिस जगह पर करंट लगा है उस जगह पर घाव हो गया हो, उस जगह पर जख्म हो गया हो, तो उसके लिए कुछ आपको बता दे रहा हूँ प्राइमरी इलाज। वो उसमें क्या करना है कि आपको पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और घाव हो गया है तो आपको कुछ वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देने हैं, जैसे कि आप क्लेवाम 625 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, और जीरो डाल पी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, और कोई पेंटाप्राजोल या डोमपेडोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी ओसीडी की शिकायत होती। तो बस यही कुछ चीज़ें करनी है, तीन चीज़ें आपको पेशेंट को देनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई कर दें। बस इतना ही चीज़ आपको अपने आप से प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, बाकी उस पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत लेकर के जाएं और डॉक्टर उसका जैसा संभव होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगी वैसा उसका इलाज करेंगे, लेकिन प्राइमरी चीज़ में आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, चीज़ें क्लियर रही हों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।